Why can't you come Mali with us? Hi, बेटा, डैडी को बहुत सारे काम है यहाँ पे. But I miss you. I know, Daddy will miss you too. I miss you more. No, Daddy will miss you more. No, I will. No, Daddy's always miss their children more. फर्म का वर्किंग एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है. आई लाइक इट. और हैदर की जॉब? हैदर के लिए जॉब के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है. 24 घंटे ऑफिस में होता है. घर और फैमिली के लिए तो बहुत थोड़ा वक्त है उसके पास. उसने तुमसे कोई बात की हैदर के हवाले से? नहीं. परेशान लगी वो मुझे. हैदर उसके साथ नहीं आया ना, इसलिए वो उससे नाराज है. और तो कोई बात नहीं. मगर उसे ख्याल रखना चाहिए मेरी बेटी का. मर्द बड़ा खुदगर्ज होता है. और औरत बड़ी बेवकूफ होती है. समझदारी का औरत क्या करेगी. मैंने आपको तो बेवकूफ नहीं कहा, लेकिन मैंने आपको खुदगर्ज कहा है. कहिए आप, कहिए जो जी में आए, कहिए आप. मैंने इसलिए फोन किया था कि मैंने पूछना था कि रात का खाना खा लिया. मैंने फ्रिज में बनवा के रखवा दिया था. रात का 1:30 बज रहा है, डेफिनेटली खाना खा लिया होगा. भूखा तो नहीं बैठूंगा मैं. मम्मी, एक औरत घर के बाहर जाके धक्के खा सकती है तो मियां भी कभी कभी बच्चों का काम कर लिया करे. मेरी इतनी दोस्त हैं जिनके मियां घर के काम कर लेते हैं. बस एक हैदर है निराला. और क्या कह रहे थे डैडी? और कह रहे थे आई मिस यू. यू मिस हु? मी. मेरा पूछा उन्होंने? नहीं. संदाना बीबी, आपकी कॉल. फोन बज रहा था लेकिन अब बंद हो चुका है. थैंक यू उम्मीद भाई. हेलो. हेलो. हाँ, लगता है मरी जाकर तुम सबको भूल गई हो. बस सोचा कि कुछ दिनों के लिए अपनी टेंशन भुला दूं. और ऑफिस से बढ़ के क्या टेंशन है. ये तो ठीक कह रही हो. कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आज अजहर साहब ने तुमसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने को कहा है. अच्छा, फिलहाल मैं किसी प्रोजेक्ट में नहीं इंटरेस्टेड. प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के बारे में मैं नहीं सुनना चाहती. तुम अजहर साहब से कह दो ना कि मैं छुट्टी पे हूँ. हाँ, लेकिन तुम बॉस को जानती हो, वो हमें छुट्टी देकर भी काम करवाते हैं. बॉस को मेरा भी पता होना चाहिए. उन्हें कह दो कि भाई मेरा मूड नहीं है काम करने को. अच्छा चलो, मैं कह दूंगी उनसे. और तुम सुनाओ, लगता है अपनी छुट्टी बहुत इंजॉय कर रही हो. इंजॉय का तो पता नहीं, लेकिन बहुत दिनों बाद अपने पेरेंट्स के पास आई हूँ. हैदर को शंदाना की बिल्कुल परवाह नहीं है. 2-3 दिन हो गए उसे आए हुए. एक मरतबे भी उसने फोन नहीं किया उसे. सोफिया को तो फोन कर लेता है ना, दिन में 1-2 बार. आप ही बता रहे थे मुझे. हाँ, सोफिया तो बात करता है, शंदाना को फोन नहीं करता. तो कर लेगा. अब हमारे फोन पे फोन तो नहीं करेगा ना, उसके सेल पे बात कर लेगा उससे रात को. मुझे नहीं लगता. खाम खाम वहम हो गया है आपको. वहम की क्या बात है, मैं तो महसूस कर रहा हूँ. तुमने देखा नहीं जब से वो आई है, चुप चुप सी है. अगर हैदर के साथ कोई मसला नहीं तो फिर मसला गया है. जॉब पूछा उससे जाकर. मुझे बताए, मैं हैदर से बात करूंगा, फजीला से बात करूंगा, कैसर से बात करूंगा. मेरी बेटी परेशान है, कोई तरीका है? नहीं नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है. मैं बात करूंगी शंदाना से. बिना वजह आप फजीलत को और कैसर भाई को परेशान करेंगे. अगर मेरी बेटी परेशान है तो उन्हें भी परेशान होना होगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम मेरी जान. सोफी कहाँ है? मैं पापा के साथ गई है बाहर बेटा. हैदर से बात की तुमने? क्या बात? हैदर ने फोन किया तुम्हें? उसे मुझे फोन करने की आदत नहीं है. सोफी से बात कर लेता है, काफी है.
मुझे फोन करके क्या करेगा? तो तुम कर लिया करो उसे। क्यों? अगर उसे मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसे फोन क्यों करूं? मसरूफ होगा ना बेटा, दफ्तर में भूल जाता होगा, ख्याल नहीं रहा होगा। बेटी के लिए मसरूफ नहीं है, बीवी के लिए मसरूफ है। मम्मी चार चार बार दिन में उसे फोन करता है सोफी को, मुझे एक दफा नहीं फोन किया। सोफी भी तो खुद ही उसे फोन कर लेती है ना। वो सोफी को फोन करता है तो सोफी उसे फोन करती है। तो तुम डाल दो ना उसे ये आदत। आपको नहीं पता मम्मी, He doesn't care for me. अभी लाहौर में डिनर्स पे निकला हुआ है रोज अपने दोस्तों के साथ, उसने तो सुकून का सांस लिया होगा कि मैं घर से आ गई। चंदाना, तुम्हारे पापा मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे और हैदर के दरमियान कोई मसला है? आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं। क्यों? तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, बिना वजह फोन करेंगे कैसर फजीलत को। तो अच्छा होता ना। क्या अच्छा होता? हैदर को भी कुछ पता चले, उसके माँ बाप भी कुछ कहें उसे। और क्या कहेंगे वो? हाँ, उन्होंने क्या कहना है, वो उनका बेटा है, मैं बहू, उनको तो कोई गलती नजर नहीं आती उसमें। मैं कुछ ज्यादा दिन ठहर रही हूँ, छुट्टियां बढ़ा दी हैं मैंने। जानी मम्मी ने क्या कहा है, कितने दिन बाद आएंगी? I don't know, but she told me that थोड़े दिनों बाद आएंगे। That is not good. इसका मतलब है कि आप डैडी को मिस नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं आपको मिस करती हूँ। One week is more than enough, जानू। लेकिन मम्मी नाराज हो जाएगी। क्यों? मम्मी आके नानू से शिकायत करती है। क्या शिकायतें की है जानू? She says a lot of things about you. For example, किस बात पर हंस रहे हैं? मैं आपके खत पढ़ रहा था। मेरे खत? पुराना सामान निकाल रहा था मैं, उसमें से आपके खत भी निकल आए। याद है आप मुझे खत लिखा कर रही थी? तुम उसे खत लिखा करो, कम से कम हफ्ते में एक बार। और उससे क्या होगा? वो तुम्हारा खत बार बार पढ़ेगा, तुम उसे याद आओगी। मेरा खत बार बार पढ़ेंगे, मैं उनको याद आऊंगी। अब्बा वो आप जैसे नहीं है, उनका दिल पत्थर का, उन्हें कोई याद नहीं आता। उनके लिए उनकी यूनिट, उनका बैटमैन, उनके जवान काफी है। उनके पास तो इतना भी वक्त नहीं होगा कि वो मेरा खत पढ़े। ऐसे नहीं होता बेटा, तुम उसकी बीवी हो, उसकी जिंदगी का आधा हिस्सा हो तुम। मैं उनकी मजबूरी हूं। हाँ तो बेटे, इंसान मजबूरियों से भी तो बंधा रहता है। लेकिन उस ताल्लुक पे मोहब्बत तो नहीं होती अब्बा। तुम उसे खत लिखो, उससे पूछो कि वो वहां क्या करता है। तुम उसे बताओ कि तुम यहां क्या करती हो, कितना याद करती हो उसे, कितना इंतजार करती हो उसका। मैं उन्हें याद नहीं करती अब्बा, और अब तो मैं उनका इंतजार भी नहीं करती। मुझे अब इस बात से भी दिलचस्पी नहीं कि वो वहां पे क्या करते। और
मुझे इस बात का भी यकीन है कि उन्हें भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि मैं उनके बगैर जिंदगी कैसे गुजारती। फिर भी उसे खत लिखो, चाहे मेरा दिल ना भी करे। हाँ, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े। हाँ, और इससे क्या होगा? उसे तुम्हारा ख्याल आएगा, वो यहां आएगा तुमसे मिलने। ये सब कहानियों की किताबों में होता है, जिंदगी में नहीं होता। याद है आप मुझे खत लिखा कर देंगे? याद है, बड़ी शिद्दत से आपके खत का इंतजार किया करता था। आज मुश्तबा ऑफिस में मैं कई कई बार अपनी डाक के बारे में पूछता था। जब आपका खत मुझे मिल जाता था तो मैं सारी सारी रात उसे पढ़ता रहता था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम पापा, मैं आप ही को फोन करी थी, कहाँ थे आप? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? किचन में। उनको एक सरप्राइज देना। सरप्राइज? हाँ, आज उनका जी चाह रहा था चीज केक खाने को, तो मैं चीज केक ले आया उनके लिए। पापा अभी पिंडी से आ रहे हैं। यस, पिंडी से आ रहा हूँ। कहाँ है वो? किचन में। अच्छा पहले आप बताएं आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? मैं खुद बनाऊंगी चाय। ओके। सोफिया, मेरा बच्चा। कहाँ हो तुम? हाँ बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा सुनो सुनो, रास्ते में मेरे लिए कुल्फी लेते आना। क्यों? क्यों का क्या मतलब है, मेरा दिल चाह रहा है इसलिए। अरे भाई मैं घर के बहुत करीब हूँ और यहाँ पे कुल्फी वाली कोई दुकान नहीं है। अरे नहीं है तो ढूंढ लो ना कोई करीब में प्लीज। अरे मैं अगर वापस जाता हूँ तो ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, 15 मिनट की बजाय 1 घंटा लग जाएगा, कुल्फी अलग पिघलेगी, क्या फायदा? इस साल में मैं एक दफा तुमसे फरमाइश करती हूँ, वो भी तुम्हारे पास कोई बहाना तैयार होता है। ले आओ मेरे लिए कुल्फी, है क्या होगा? अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ मैं, रीजन दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता बहाना है क्या है, मुझे इतना पता है कि मेरी मर्जी और मेरी फरमाइश कभी पूरी नहीं हो सकती तुम्हारे से। अरे पापा बिना शंदाना कमाल करते हैं, केक लेने पिंडी चले गए और मुझसे कह रहे थे मैं हबीब के घर हूँ। आपने फरमाइश भी तो की थी मामा। अरे कहाँ बेटा, मैंने कोई फरमाइश नहीं की थी, बस जिक्र किया था नाश्ते की मेज पर, उन्होंने सीरियसली ले लिया। बड़ी किस्मत वाली हैं आप मामा। क्या मतलब तुम्हारा? पापा जैसे शौहर किस्मत से मिलते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं हमें कि आपको अब्बा जैसे शौहर मिले। मंसूर भी बुरा नहीं है बेटा, अच्छा शरीफ लड़का है। अच्छे हैं लेकिन
लेकिन मेरे अलावा वो सबके लिए बहुत अच्छे हैं। तुम क्यों परेशान होती हो ये बातें सोच सोच कर? मैं परेशान नहीं होती हूँ, मुझे अपनी नाकदरी का दुख होता है। मेरा होना ना होना उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। मायने रखेगा बेटा, तुम देखोगी एक दिन आएगा कि तुम्हारा होना ही उसके लिए मायने रखेगा। जब मैं उसके लिए मायने रखूंगी तो शायद वो और ये रिश्ता मेरे लिए बेमायने हो जाएगा। क्या सोच रही है मम्मी? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही कुछ ख्याल आ गया था। पापा जैसे मर तो बनना बंद हो गए मम्मी, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लिया करो यार, इसमें 36 किस्म के फ्लॉज हैं। अगर ये ऐसे ही ऊपर चली जाती तो हम दोनों रगड़े जाते। देख लो तो सर ऐसा। हाँ जाओ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी मामू मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मामू वो मैं फोन कर रहा था शंदाना के फोन पे, उसका सेल ऑफ आ रहा है। शंदाना का फोन ऑफ है? शायद उसने ऑफ किया हो, वॉक के लिए निकली है। अच्छा चले चले ठीक है मामू, वापस आती है तो मैं उसे कहता हूँ तुम्हें कॉल करे। नहीं नहीं मामू मैं खुद कर लूंगा थोड़ी देर तक, ठीक है? अब अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़ मामू। हेलो हेलो मम्मी, इज दिस योर फ्रेंड? दिस इज आवर नेबर। आप इस वक्त वॉक पे लिखी हुई थी? जी बस मरी में पता नहीं चलता, अभी बारिश हो रही होती है अभी धूप निकल आती है। मैं आपको अक्सर साथ वाले घर में लॉन पर वॉक करते देखा है, आप वहाँ रहती हैं? मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, मैं छुट्टियों पे आई हुई हूँ। आप अंकल अलीम के घर ठहरी हुई है ना? जी। क्या लगते हैं वो आपके? वो मेरे हस्बैंड के चाचा हैं। अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हैं। जी आप कहाँ के हैं? लाहौर। जॉब करती हैं? आर्किटेक्ट हूँ। दैट्स ग्रेट। मैं डॉक्टर हूँ, हाउस जॉब कर रही हूँ। ओह लवली। ये आपकी बेटी है? जी ये मेरी बेटी है। छोटी बेटी? मेरी एक ही बेटी है। अच्छा शादी हो कितना अर्सा हुआ है? 8 साल। 8 साल, 30s में होंगी आप? 35। 35 की तो नहीं लगती। अच्छा कितने की लगती हूँ मैं? 40 की लगती है। I'm sorry, आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर सर कुछ लोग अपनी एज से बड़े लगते हैं। जी आप हनीमून की आई हैं? जी। कितना अर्सा हो गया शादी को? पिछले महीने के 15th को शादी हुई थी। अच्छा मैं चलती हूँ, इट्स गेटिंग कोल्ड। हाँ ना भाई चलो, कहाँ नहीं चलो चलो चलो। 30s में होंगी आप? 35। 35 की तो नहीं लगती। अच्छा कितने की लगती हूँ मैं? 40 की लगती हैं। सर सर कुछ लोग अपनी एज से बड़े लगते हैं। तुम आ गए बेटा? क्या करती रही हैं आप? मैं रात को तुम्हारे अंकल हबीब आ रहे हैं डिनर पर, उसकी तैयारी कर। हबीब अंकल कैसे हैं वो? अच्छे हैं। पिछले हफ्ते हम उनके घर गए थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि जब तुम आओ तो तुम्हें अपने साथ लेकर। आज मिल लूंगी ना उनको रात को। हाँ मम्मी
हाँ बेटा, क्या मैं 40 साल की लगती हूँ? अरे नहीं बेटा, किसने कहा तुमसे ये? किसी ने कहा है ना कुछ? किसने? अच्छा सही सही बताएं, मैं अपनी उम्र से बड़ी लगती हूँ? नहीं बेटा, बिल्कुल भी बड़ी नहीं लगती। तुम यंग हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो। मैं आपकी बेटी हूँ, आप तो कहेंगी कि मैं यंग हूँ, स्मार्ट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, लेकिन थकी भी हो। बाजी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? आपने अपने आप को आईने में देखा? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्र से 10 बरस बड़ी लगती हैं आप, और अभी आपकी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं आप? शादी ने आपको बदल दिया बाजी। दाना, कितनी बार मैंने तुम्हारी अम्मा से कहा है कि जब तुम यहाँ आओ तो तुम्हें हमारे घर लेकर आए, मगर मजाल है कि तुम्हारी अम्मा पे कोई असर हो जाए। नहीं नहीं आंटी, मम्मी ने कहा था मुझे, मम्मी और मैं प्लान कर ही रहे थे। हाँ, जाते वक्त आती ना, जैसे पहले आई थी। अरे नहीं भाई, बहुत दिन के लिए आई है। मगर मेरा तो ख्याल था कि 1 हफ्ते के लिए आई। 1 हफ्ता और रुकेगी। मगर 1 हफ्ता क्यों, पूरी समर ब्रेक यहाँ क्यों नहीं रहती? भाई तुम्हारे अम्मा अब्बा यहाँ अकेले होते हैं, तुम्हारे आने से रौनक हो जाती है घर में। नहीं रुक सकती, जॉब कर रही है, छुट्टी कैसे लेगी? अरे जॉब की भी एक टेंशन है, मैंने तो कहा है उसे, क्या करेगी जॉब करके, सब कुछ तो यहाँ मौजूद है, ख्वार हो रही है बस। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मंसूर भाई, मुझे भी बड़ी वीक लग रही है। अरे कहाँ वीक लग रही है, ठीक तो है मेरी बेटी। क्यों हबीब, आपको भी वीक लगी है ना? हाँ लग तो रही है। That's the one they didn't want, but they couldn't remember what his name was, so that one of the NBC executives. Scientists that I've read, I want to go to the Hello? Would take hours. Hello, sweetheart. Hi, how are you? Hello, Daddy. आप अभी तक जाग रहे हो? नहीं, मैं सो रही थी। मैंने फोन की आवाज सुनी तो फिर मैं उठी। मैं तेरे सद के तो जानू, अब दोबारा सो जाओ ना। ओके डैडी। अच्छा वो वेयर इज योर मम्मी? आई डोंट नो। क्या मतलब जानू, मम्मी बेडरूम में नहीं है क्या? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, इट्स ऑल राइट, यू गो टू स्लीप। गुड नाइट डैडी। ओके मेरी जान, गुड नाइट, लव यू। हबीब ने मछली के शिकार का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, ये गोल्फ और ब्रिज खेलते खेलते मछली का शिकार? पता नहीं है तुम्हें, नए नए चीजों के दौरे पड़ते हैं इन्हें। भाभी मैंने आम मछली की बात नहीं की, मैं तो ट्राउट के शिकार की बात कर रहा हूँ। ये आप आम मछली का शिकार करके दिखाएं, ट्राउट के खाब बात में देखो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि किसी दिन चले चलते हैं पिकनिक, वहीं पे मछली का शिकार भी करेंगे। तुमने ठीक कहा था, मैं बहुत वहम करने लगा हूँ। अब क्या वहम हो गया आपको? अरे वो ही शंदाना और हैदर के बारे में, कि हैदर शंदाना को फोन नहीं करता। आज हैदर ने शंदाना को फोन किया था। अच्छा, शंदाना ने बताया आपको? नहीं उसने नहीं बताया, हैदर ने शंदाना को फोन किया, उसका फोन बंद था।
फिर उसने मुझे फोन किया, मैंने उसे बताया शंदाना बाहर निकली हुई है। उसने मुझे कहा वो उसे दोबारा फोन कर लेगा। तुम ठीक कहती थी, वो उसे फोन करता होगा, बस मेरे सामने नहीं किया तो मैं परेशान हो गया। तुम्हें याद है कि जब दोनों आते थे तो हैदर दिन में कितनी बार फोन करता था शंदाना को? शादी पुरानी हो रही है ना। शादी तो हमारी भी पुरानी हो गई, हम तो बूढ़े हो चुके हैं। फोन और बातें करने के अलावा हमारे पास काम ही क्या? वो तो जवान है, हजारों काम होंगे उन्हें। अच्छा ये बताइए, आपने शंदाना को हैदर के फोन के बारे में बताया? ओ मैं भूल गया, सुबह बता दूं। वैसे हैदर ने कहा था कि उसे दोबारा फोन करेगा तो बता देगा, उसने फोन किया होगा तो बता दिया होगा। बेटा हैदर का फोन आया था अभी? नहीं, कल उसने तुम्हें कॉल की थी, तुम्हारा सेल बंद था। फिर उसने मुझे फोन किया, मैंने उसे बताया कि तुम वॉक पर गई हुई हो, कहने लगा दोबारा फोन करेगा। किया था उसने? नहीं। अच्छा, करना चाहिए था। चलो वो अगर फोन ना करे तो तुम कर लेना। हेलो, कैसे हो तुम? बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। पापा कह रहे थे तुम्हारा फोन आया था। अभी तो बात नहीं कर सकता हूँ, अभी तो मसरूफ हूँ, बाद में बात करते हैं। तुमने कल मुझसे ये क्यों कहा कि तुम अपनी उम्र से बड़ी लगती हो बेटा? किसी ने कुछ कहा था? किसने? हमारे नेबर है अलीमा का, उनका एक यंग कपल आया हुआ, उनका भतीजा और उसकी बीवी। उस लड़की से मुलाकात हुई थी, उसने कुछ कहा। हाँ देखा है मैंने, नई नई शादी हुई ना उनकी, हनीमून पे आए हुए। तुम उसकी बात से परेशान क्यों हो गई? मैं पागल हूं इसलिए। बुरी बात बेटा, ऐसे तो नहीं कहते ना। आहिस्ता आहिस्ता हुआ सब कुछ, मुझे पता भी नहीं चला, और हैदर मेरे दरमियान फासला आ गया। कभी कभार जब हम रोज साथ रहते हो तो हमें लगता है कि फासला नहीं आएगा, हमें पता भी नहीं लगता। और एक घर में, एक बेडरूम में 24 घंटे रहते हुए भी दो इंसानों के बीच में मीलों का फासला आ जाता है। यही हुआ हैदर और मेरे दरमियान। तो इन फासलों को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं करती? मम्मी आपको लगता है मैंने नहीं कोशिश की? बहुत कोशिश की है मैंने, लेकिन फासला दो लोगों के मिटाने से मिटता है, एक तरफ से नहीं मिलता।
शिकायत क्या है बेटा? शिकायतों का ढेर है, और हैदर को तुमसे उसका भी ढेर होगा। एक ढेर है शिकायतों का तुम दोनों को एक दूसरे से। जब दो इंसानों को एक दूसरे से एक या दो शिकायतें हो ना बेटा, तो ये कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर शिकायतों का ढेर बन जाए तो बहुत बड़ा मसला है। मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी कि वो हैदर को यहां बुलाए। मम्मी बस सर में दर्द है। सर में दर्द है बेटा तो दवाई ले लेते हैं ना, रोते थोड़ा ही है। मम्मी मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। इस मेंटल टॉर्चर से मैं इतना थक गई हूँ, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता मम्मी। हैदर से झगड़ा हुआ है क्या? हैदर और मेरे दरमियान झगड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हैदर, उसकी बेटी, उसका ऑफिस, इस ट्रायंगल में मेरी कोई जगह नहीं बनती मम्मी। हैदर वो आदमी है ही नहीं जिससे मैंने शादी की थी। क्या सारे आदमी बदल जाते हैं शादी के बाद मम्मी? ये उनकी असलियत सामने आ जाती है। मैंने तुम्हारे पापा से बात की है बेटा, मैंने उनसे कहा है हैदर को यहां बुलवाएं, उसे बिठाकर हम इस मसले का हल निकालें। और शादीशुदा जिंदगी में ऐसे मसले आ ही जाते हैं। शादीशुदा जिंदगी मसला नहीं है मामी, मसला हैदर है। इस कदर खुद गर्ज आदमी है वो। शादीशुदा जिंदगी का मसला होता ना तो आपकी जिंदगी में भी मसले आते। मसले आए थे ना बेटा? रहने दे मम्मी, जो दिखाई दे वो सच तो नहीं होता ना। मैं नहीं मानती मम्मी, बचपन से लेके आज तक मैंने पापा को आपके गिर्द भंवरे की तरह घूमते हुए देखा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था बेटा। आप क्या कहने की कोशिश करेंगे मामी के पापा हैदर जैसे थे? हैदर तुम्हारे पापा से बहुत बेहतर है। शाबाश, क्या कर रही हैं आप? आ रही हूं। चंदाना आपके सर में दर्द है। अरे तो डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं नहीं, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। मैं आ रही हूं। चलो बेटा अंदर जाके लेट जाओ, नींद आ जाएगी तो दर्द चला जाएगा। नींद से दर्द नहीं जाता मम्मी। दर्द जाता नहीं है लेकिन हल्का जरूर हो जाता है। शंदाना कुछ परेशान दिखती है। सिर्फ सर दर्द की वजह से कोई इस तरह होता है? बड़ी बात है मेरी बेटी।
कुछ सरदर्द रुला देते हैं। नहीं नहीं, कोई और बात। हैदर की वजह से परेशान है। क्या क्या हैदर? दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद। किस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग? आप बुलाइए ना हैदर को, ताकि पता चलेगी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान। तो मैं उसे कल ही बुला दूंगा। अगर जो हालत शंदाना की है, इस हालत में मैं उसे हैदर के पास कभी नहीं जाने दूंगा। मुझसे नहीं देखी जाती उसकी हालत। शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप बेटियों की तरफ से आंखें बंद कर। हैदर अगर उसे अपने साथ रखना चाहता है तो तरीके से रखना।